स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। महासमुंद से खबर है जहां पर 50 लाख का सोना बरामद हुआ है, 19 लाख 50 हजार नकदी बरामद हुई। सिंघौला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, 837.240 ग्राम सोने के टुकड़े बरामद हुए हैं, हिरासत में लिए गए हैं चार लोग। उड़ीसा से ये सोना लाया जा रहा था, जीप और मोटरसाइकिल से सोना बरामद हुआ है। 50 लाख का सोना बरामद हुआ, 19 लाख और 50 हजार नकदी भी बरामद हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे सहयोगी सोमनाथ, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सोमनाथ, क्या कुछ जानकारी, क्या मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की? जी बिल्कुल, आपको बता दो, संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान सिंघौड़ा पुलिस ने 50 लाख रुपए के सोने के टुकड़े और ज्वेलरी सहित 19 लाख 50 हजार रुपए नकदी जो है वो बरामद किए हैं और चार लोगों को हिरासत में लिया गया है। और ये जो आरोपी हैं, स्कॉर्पियो कार और मोटरसाइकिल की मदद से जो है ये तस्करी को अंजाम दे रहे थे। ये तस्कर जो है सोने के टुकड़े और ज्वेलरी को उड़ीसा के रास्ते रायपुर की ओर ले जा रहे थे, जिसे महासमुंद के सिंघौड़ा पुलिस ने अंतर्राज्यीय जांच चौकी रेहटी खोल के पास घेराबंदी करके पकड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जो है आगे की कार्रवाई के लिए भारत सरकार की जांच एजेंसी DRI को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया है। जी ठीक है सोमनाथ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, साझा करने के लिए। वहीं जांजगीर चांपा की नवागढ़ में तनाव के हालात हैं। बीजेपी बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर तनाव के हालात बन गए हैं। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है, मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है। जांजगीर चांपा के नवागढ़ में तनाव के हालात, बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया, सड़क पर बैठे हैं। मंदिर में तोड़फोड़ को लेकर तनाव के हालात यहां पर बन रहे हैं, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कैलाश, हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन पर। कैलाश, क्या कुछ जानकारी, क्या हालात अभी वहां पर? जी, अभी भी ग्रामीण और बजरंग दल और बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा सड़क पर बैठे हैं और अज्ञात आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वहां नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम की नारा भी लग रही है। 8 फरवरी को उनके द्वारा FIR कराया गया था लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। आज पुनः उपद्रवी तत्व के लोगों ने मंदिर में फिर से तोड़फोड़ किया, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीणों फिर थाना पहुंचे और उस दौरान एक पुलिस स्टाफ के द्वारा शिकायतकर्ता को धमकाया गया है कि इस तरह के जय श्री राम के नारा नहीं लगाने देंगे, न ही सड़क पर हम बैठने देंगे, जिसको लेकर वहाँ राजस्व के टीम और जो है पुलिस भारी संख्या में मौजूद है और उनको समझाइश की जा रही है, लेकिन ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा अड़े हुए हैं कि उस थाना स्टाफ के खिलाफ भी कार्रवाई हो और अज्ञात आरोपी के ऊपर जल्द कार्रवाई हो। ठीक है कैलाश, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। बिलासपुर से खबर है, फावड़े से पीट पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। पीड़ित पिता ने गृह मंत्री से